आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लॉक की जो आपका काम बेहद आसान कर देगा। इसको आप एक चीट कोड की तरह, एक शॉर्टकट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉक। ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉक। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं। द मैग्नेटिक सर्कुलेशन अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो वाह वाह, और नहीं समझ में आई तो बहुत बढ़िया। बेसिकली क्या होता है कि सर्कुलेशन, आपको तीन चार चीजें यहाँ पर समझना होगी। एक होता है सर्कुलेशन। दोस्तों हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो नॉर्मली लाइन इंटीग्रेशन होता है, तो ये लाइन इंटीग्रेशन है, लेकिन ये बीच में मैंने एक रिंग बना दी। क्या बना दी दोस्तों? रिंग बना दी। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन एक क्लोज लूप में। हमें इंटीग्रेशन तो करना है एक क्लोज लूप में, और उसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या समझ में आ रहा है जी? इसी को बोलते हैं हम सर्कुलेशन। नाउ सो वो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन बी डॉट डीएल इन अ क्लोज लूप, बी डॉट डीएल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज मतलब उस लूप में से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एनक्लोज्ड करंट लेना है। आई एनक्लोज, म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, ये हमारा है एम्पियर्स लॉ। और इसको एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्किटल में लगता है, मतलब एक क्लोज लूप में लगता है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां पर देखना है जिससे आपकी स्टडिंग लर्निंग स्मूथ हो जाएगी, वो क्या है? पहली बात तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये सेम है बिल्कुल गॉस लॉ जैसा। आपने गॉस लॉ देखा होगा दोस्तों। गॉस लॉ पता है आपको? वही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। हम गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हर जगह यूज नहीं कर सकते। सिमेट्री होना चाहिए दोस्तों। मतलब एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम गॉस लॉ को कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट हम नहीं यूज करते क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते। तो हम सिमेट्री देखते हैं और तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप एम्पियर सर्किटल लॉ को हम क्या निकालेंगे? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या दोस्तों निकालेंगे? इस लॉ से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और इस लॉ को भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिमेट्री वाले केसेस में यूज कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिकली रिजल्ट निकाल के आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसका रिजल्ट सही साथ नहीं आते, हमें पता नहीं पड़ता कि निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कैलकुलेशंस नहीं हो पाती है। सिमेट्रिकल सर्किट्स में कैलकुलेशन करना आसान होती है, इसलिए हम निकाल के यूज कर लेते हैं। ठीक, नाउ इट इज यूज्ड इन केसेस ऑफ सिमेट्री। हम यूज करते हैं सिमेट्री के लिए ही। ठीक है, यूज सबके लिए कर सकते हैं, हम यूज करते हैं सिमेट्री के लिए। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, द क्लोज लूप वेयर एम्पियर लॉ इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज एम्पियर रियल लूप, इज कॉल्ड एज एम्पिरियन लूप। जहां भी जिस भी लूप में हम ये लॉ लगाएंगे उस लूप का नाम एम्पीरियन लूप पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा दोस्तों? एम्पीरियन लूप। ध्यान सुनिए एक और पॉइंट, लाइन इंटीग्रल इन क्लोज लूप इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्कुलेशन। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं कहां पर? क्लोज लूप में। कहां पर? क्लोज लूप में, उसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर रहा हूं तो हो जाएगा मैग्नेटिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू आई एनक्लोज। ये क्या है? म्यू नॉट इन टू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज मतलब हम सिर्फ वही करंट लेंगे जो एम्पीरियन लूप के अंदर है, जो एम्पीरियन लूप के अंदर है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये करंट वायर से वायर वन वायर टू वायर थ्री। ठीक है, इसमें करंट कहां फ्लो रही है? इसमें करंट फ्लो रही है अंदर। क्रॉस मतलब करंट जा रही है अंदर, डॉट मतलब यहां पे करंट जा रही है बाहर, यहां पे क्रॉस मतलब करंट जा रही है अंदर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें इस लूप में से ये जो अमीबा जैसा आपको क्या दिख रहा है, लूप दिख रहा है, इस लूप को क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। अगर हमें इस रैंडम लूप में से बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? बी डॉट डीएल। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? बी डॉट डीएल का सर्किटल दैट इज इंटीग्रेशन इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट इन लूप। अब I1, I2, I3 इस लूप के अंदर वाली करंट कौन सी? इस लूप के अंदर वाली करंट, तो ये है I1 और I3। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है दोस्तों? एक करंट जा रही है अंदर और एक करंट जा रही है बाहर। I1 जा रही है अंदर और I3 जा रही है बाहर। तब हम किसको प्लस लें किसको माइनस लें? उसके लिए
एम्पियर ने एक रूल बताया। क्या बताया? कि आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो अगर लगा दिया खतरनाक वर्ड। अगर मैं इस लूप को क्लॉकवाइज सेंस में देखता हूं, ध्यान से देखना सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजा आएगा आपको। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में देखता हूं लूप को, तो उस केस में ये जो करंट अंदर जाने के बाद फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होती, याद है ना, आई एल क्रॉस बी, या फिर हम वो निकाले क्या होते मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए अपन वायर सेवर्ट लॉ के थ्रू, तो करंट पकड़ लेते। जैसे ही मैंने करंट पकड़ लिया, वायर पकड़ लिया, तो ये वायर गया अंदर, तो ये फील्ड ऐसे क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो जब भी मैं लूप को क्लॉकवाइज मानता हूं, क्लॉकवाइज सेंस में मानता हूं, जब मैं लूप के अराउंड इंटीग्रेशन करता हूं क्लॉकवाइज सेंस में, तब अंदर वाली करंट को पॉजिटिव, बाहर वाली करंट को नेगेटिव। तो यहां कितने हो जाएगा, I1 - I3। I2 तो बाहर लूप के, तो I2 को तो कंसिडर करेंगे। केस टू, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप लेता हूं, जब मैं इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज करता हूं, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजा आएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेता हूं लूप को, मतलब लूप चला ऐसा इंटीग्रेशन करना है, ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो क्या वो फील्ड ऐसे क्रिएट करेगी, मतलब क्या होता है दोस्तों, फील्ड लाइंस और जो बी डॉट डीएल में डीएल की लाइंस है, मतलब जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वो सेम होना चाहिए बस, और कोई लॉजिक नहीं। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेता हूं, तब कौन सा करंट पॉजिटिव हो जाएगा, जो करंट बाहर आ रहा है। इस केस में बी डॉट डीएल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I3 - I1। 90% केसेस में हम क्या मानते हैं, जनरल कन्वेंशन, कि लूप को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज और बाहर वाले करंट को लेते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लस के क्या आया था, इसलिए, मतलब और कोई लॉजिक नहीं है इसका, यही लॉजिक है कि हम एंटी क्लॉकवाइज लूप को पॉजिटिव मान लो और बाहर करंट को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज लूप को पॉजिटिव मान लो और बाहर करंट को पॉजिटिव मान लो, ये कन्वेंशन है। बट मैंने आपको सिखाया कोई जरूरी नहीं है, आप जिस डायरेक्शन में लूप मानेंगे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी करंट सेट कर लेना। और अगर नहीं समझ में आ रहा, तो एक सीधा सा प्रिंसिपल याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो और बाहर करंट को पॉजिटिव मानो, खत्म। तो अगर ऑपोजिट होगा तो आप अपने आप नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? एम्पियर लूप को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए यहां पर चार करंट है, I1, I2, I3, I4, और हमने एक एम्पियर लूप बनाया ब्लैक कलर का, इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, मान लीजिए, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने ये, और मैंने लूप को मान लिया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव, जो जनरल बुक्स में गिवन होता है कन्वेंशन, वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, तो ऊपर देखोगे आप तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव माना। अगर मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो इन सारे वायर्स के कारण जो फील्ड होगी वो B1 होगी, मान लो इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 है, तो B1.dl किस डायरेक्शन में आएगा, dl इस डायरेक्शन में, राइट, dl इस डायरेक्शन में, b कहीं भी आ सकता है, मान लीजिए ऐसा है, b मान लीजिए नीचे की तरफ है, dl तो अलोंग द लेंथ, अलोंग द लूप ही होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे लेते हैं, तो dl का अलोंग द लूप, ये dl है छोटा एलिमेंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का है, कहीं भी मान लीजिए रैंडम समझने के लिए, मान लीजिए यहां ये B2 है, करेक्ट। तो अगर मैं इसी पूरे लूप पे निकालते गया, तो क्या होगा दोस्तों, B1.dl प्लस B2.dl, अगर मैं ऐसे निकालते गया, तो इसी को क्या ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन B.dl, याद नहीं है, सारे सम कर दिया वैसे पूरे लूप में, तो क्या करना है, सम कर रहे, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई को दोस्तों आई एनक्लोज, यहां पे आई एनक्लोज भी निकालना एक तरीका है, क्या तरीका है, हमने आपको सिखाया है कि जो बुक्स में कन्वेंशन ले, तो क्या होता है कि अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहे, तो ये थंब का जरा ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉजिटिव ले रहे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो क्या थंब जरा ऊपर, मतलब ऊपर वाली करंट पॉजिटिव, बाकी सब करंट नेगेटिव, और करंट को एम्पीरियन लूप के अंदर से जाना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। तो ये I1 लेते हैं, I1 के लूप के बाहर से जा रहा है, तो I1 हट गया, I2 देखते हैं, I2 अंदर जा रहा है, तो क्या माइनस होगा, है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव, जिस करंट जब ऊपर होगी तो पॉजिटिव मानी, क्योंकि हमने लूप को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना, ठीक है,
i3 क्या i3 ऊपर जा रहा है? बिल्कुल ऊपर जा रहा है, प्लस i3। i4 कहा जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, प्लस i4। क्लियर? तो यहां पर हम आई एनक्लोज भी लिखे i3 प्लस i4 माइनस i2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि तो इस एंगल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसकी खूबियत खूबसूरती है, ठीक है। चलो अब एक तिलस्मयी चीज देखते हैं, एकदम बढ़िया। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, पैरेलल स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा, जब इनफाइनाइट वायर होता है, जब इनफाइनाइट वायर होता है तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर, याद है? बहुत बढ़िया। और मैं एम्पीरियन लूप लगा के एक लाइन में आंसर लेके आऊंगा, जो अपन पूरा 10 मिनट लगा के आंसर लेके आया था, अल्फा मान अल्फा टू मान मान के, याद है आपको? हाँ। लेकिन बस दिक्कत यही होती है यहाँ पे कि हम सिर्फ सिमेट्रिक केसेस में लगाते हैं ताकि प्रॉब्लम इजी बन जाए। तो मान लीजिए ये लूप है और ये वायर लेते, पहले इनफाइनाइट ऐसा वायर बना लिया। अब मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालना। क्या करना पड़ेगा आपको? एम्पीरियन लूप लेना पड़ता है दोस्तों। एम्पीरियन लूप बहुत स्मार्टली लेना पड़ता है आपको। एम्पीरियन लूप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रैंडम शेप का बना दिया, नहीं नहीं, स्मार्टली लेना है क्योंकि आपको बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है दोस्तों? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन। तो अगर मान लो कोई डॉट बड़ा करो, जैसे ए इंटू बी करो, ए डॉट बी करो, अगर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा हो गया, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो क्या ए और बी हो जाता है? थीटा की वैल्यू जीरो। तो कोशिश ऐसी करा करो कि एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन जैसी हो, मतलब बी डॉट डीएल की डायरेक्शन किसी होना चाहिए, हम क्या लगाएंगे? बी डॉट डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और अगर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ गई, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल हुआ लूप के, समझ लो डीएल क्या होता है? लूप का टेंजेंट तो होता है। अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल हुआ लूप के, तब डॉट प्रोडक्ट बी इंटू डायरेक्ट डीएल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? देखो इस पॉइंट पे मुझे पता मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अगर वायर में करंट में ऊपर मानू, वायर में करंट ऊपर मानू, तो क्या ये बी डॉट डीएल, मतलब अभी ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर बी डॉट डीएल निकालेंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी घूमी 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 घूमी, तो ये होगी घूमी 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 घूमी, ऐसे होगी। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लूप को बोलता हूं ये एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप है। आपको पता है कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल होगी, जैसे इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर यहाँ पे बाहर, है ना। तो इस लूप के टेंजेंशियल है वो भी, लूप के टेंजेंशियल है वो भी, टेंजेंशियल है मतलब अगर लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पॉइंट पे ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना था वाला, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि लूप को स्मार्टली कैसे लेते हैं, तो आप प्रॉब्लम कैसे फिंगर टिप्स पे करेंगे, देखना दोस्तों। B dot DL equals to mu not into I enclosed, A की करंट है, हमने लूप को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लिया, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये करंट ऊपर जाती तो ये पॉजिटिव होगी, I into प्लस, ये प्लस पॉजिटिव। अब देखो यहां पे हमें करना है इंटीग्रेशन, वो भी कौन सा? सर्किटल इन लूप। अब देखो ध्यान से, आपको ऐसा लग रहा दोस्तों कि ये अगर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सब दूर आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड दोस्तों डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बी इंटू डी एल कॉस 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो क्या बाहर निकाल लो? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन डीएल, क्यों मैग्नीट्यूड लिया? देखो जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं दो वेक्टर का, अपने आप क्या बन रहा था, मेरे को स्केलर नंबर ही मिलता है दोस्तों, तो मैंने b इंटू डी एल इंटू कॉस 0 कर दिया, b इंटू डी एल इंटू कॉस 0, कॉस 0 वर्ग, अच्छा dl। अब dl क्या होता है दोस्तों? dl का भी इंटीग्रेशन, मतलब क्या? dl 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 dl, तो सारे दिल मिलके क्या सर्कमफेरेंस बना देंगे, सारे dl मिलके सर्कमफेरेंस बना देंगे, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr mu not i, जादू ही फॉर्मूला निकल चुका है। अब मैं डिवाइड करता हूं तो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 बाय आई बाय आर। ये रिश्ता वही है जो पहले आया था, ये रिश्ता
वही है जो पहले आया था, सेम टू सेम रिलेशन म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए, जब डिस्टेंस ए थी यहाँ पर डिस्टेंस हमने आर ले ली। दोस्तों चीजें आसान हो गई, फील आ रहा है कि हाँ यार एम्पियर सर्किट और लॉ लगा के मैं कितनी आसानी से निकाल सकता हूँ। आप कहीं भी निकाल सकते हैं, दिक्कत यह है कि हम सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए ही निकालते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि हम कोस एम्पीरियन लूप काफी स्मार्टली सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे नहीं है रैंडम है कोई भी ऐसे शेप का बना दिया आप निकाल के दिखाओ, निकाल दूंगा मैं लेकिन फिर बी डॉट डीएल की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू नहीं आएगी, समझ रहे हो। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे बी डॉट डीएल स्मार्टली सिलेक्ट करना होगा। नाउ फ्रेंड्स वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, अभी तक हमने क्या बिल्कुल थिन वायर लिया था, अब एक काम करते हैं थोड़ा थिक वायर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो ये अंदर से हॉलो हो या ये पूरा सॉलिड हो, मतलब या तो ये हॉलो सिलेंडर टाइप का हो या सॉलिड सिलेंडर टाइप हो। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम केस लेते हैं हॉलो सिलेंडर, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑन द सरफेस आउटसाइड। ठीक है चल, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, एक ही फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, चीट कोड हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक बात है, हम इस वायर में से मैं पॉइंट वन पे निकालू, ये पॉइंट वन है, पॉइंट टू है, पॉइंट थ्री, ये सिलिंड्रिकल वायर है जो इनफाइनाइट है। ठीक है, ऊपर लेंथ और नीचे लेंथ जिसकी इनफाइनाइट है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एट दिस पॉइंट, अंदर की रेडियस आर वन है, पॉइंट थ्री की रेडियस आर ओ है, और ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द वायर, ये ब्लू एक्सिस बना रखी है। अब देखिए दोस्तों जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी या फिर मैं बोलूं सरफेस की वहां से फ्लो होगा, करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस से फ्लो होगा, अंदर से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं ये सरफेस बनाऊं तो इन सरफेस बाउंड्रीज से करंट फ्लो होगा ऊपर की तरफ, सिर्फ और सिर्फ सरफेस बाउंड्रीज से। ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं, बी वन डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, हमें ये फॉर्मूला आता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई। देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में निकालता हूं मैं इन साइड, मतलब B डॉट डी एल करूंगा, आप क्या कर रहा हूँ छोटा सा लूप बना रहा हूँ एम्पीरियन लूप, ये छोटा सा लूप बनाया मैंने एम्पीरियन लूप। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर के अंदर एक लूप बनाता हूं B डॉट डी एल म्यू नॉट इन टू, करंट कितना है उसमें, क्या कोई करंट अंदर है, नहीं, क्योंकि करंट तो सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर जो सरफेस पे है वहां से फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट इस केस में जीरो हो गई, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वन जीरो हो गई, मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक बात, चलो अब एक काम करते हैं सरफेस पे निकालते हैं, इंटीग्रेशन बी टू डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू, क्या पूरा करंट आई फ्लो होगा यहां से, तो ओके बी टू, अब ध्यान से देखिए दोस्तों वही केस, हम तब स्मार्टली लेंगे बी टू, मतलब बी टू इन द सेंस मैं जो बोल रहा हूं ये एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप हम ऐसा घुमाएंगे ये सच दैट बी डॉट डी एल ऑलवेज हैव जीरो डिग्री एंगल, तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, तो बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन कर दिया सेम जैसा अपन ने वायर में किया था, सेम टू सेम केस, सो बी टू इंटू इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो यहां पर जैसे ही इंटीग्रेशन करूंगा इस सर से इधर तक क्या वापस एंटायर लेंथ लेनी पड़ती है, टू पाई आर, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर टू। तो मुझे फिर से एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा ये, और वही केस, ये तो ऐसे केस हो गया जैसे नॉर्मल वायर रखा हो, क्योंकि अगर बाहर पॉइंट लू तो सिलेंड्रिकल वायर हो हॉलो हो सॉलिड हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहां से डिस्टेंस हमेशा आर होगी और इस लूप के अंदर से करंट पूरी फ्लो होगी, भले अंदर से फ्लो हो या बाहर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आउटसाइड अगर मैं निकाल लू, अगर मैग्नेटिक फील्ड में निकालो दोस्तों आउटसाइड, आउटसाइड कितना हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, या दोस्तों डीएल को डायरेक्ट लिखते हो अपने म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर ओ, वेयर आर ओ इज द आउटसाइड लेंथ। ठीक है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई, सेम चीज, फिर यहां पर बी नॉट बाहर निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज टू पाई इंटू आर, कौन सा आर, जो रेडियस बाहर वाला, जिस लूप के अलॉन्ग, जिस एम्पीरियन लूप के अलावा मैं सर्किट लॉ लगा रहा हूं, लाइन इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्लोज लूप। ठीक है चलिए, अब केस टू, यहां पर हमें लेना है सॉलिड सिलेंडर, इसका मतलब अब करंट
हर पार्ट में से फ्लो होगा, अंदर भी फ्लो होगा, सेंटर में से भी फ्लो होगा, सर्कमफेरेंस से भी फ्लो होगा, हर दूर पे करंट होगा और टोटल करंट आएगी। टोटल करंट कितना है दोस्तों? आई, टोटल करंट आई। ठीक बात। अब फिर से हमें तीनों चीज पे निकालना है, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस। तो सबसे पहले मैं एक केस लेता हूं आउटसाइड का। सबसे पहले क्या लेता हूं दोस्तों? आउटसाइड का। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे एक एम्पिरियन लूप बनाता हूं, कहां पे? इस पॉइंट पर अगर एम्पिरियन लूप बनाता हूं मैं, तो ये ऐसा होगा, एम्पिरियन लूप ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी दोस्तों? नेट करंट आई ही फ्लो होगी। मतलब ये वाला केस और ये वाला केस आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम होंगे। तो यहां पर डायरेक्ट में लिख दो आउटसाइड, बी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू आर आउटसाइड, जो भी डिस्टेंस हो। लेकिन वो डिस्टेंस कहां होना चाहिए? इस वायर के बाहर, इस वायर के बाहर। ठीक है, अब मैं सरफेस भी निकालता हूं, बी एट डी सरफेस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। डायरेक्ट बोलो दोस्तों, डायरेक्ट 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि अभी भी वही केस है, हमने संकेतन यहां पे लगाया इधर से इधर तक। दिक्कत कहां आएगी वो समझते हैं। जैसे ही मैं इनसाइड पॉइंट लगाता हूं दोस्तों, ध्यान से देना, अगर मैं इनसाइड पॉइंट पे लगाता हूं तब मुझे जो लूप बनाना पड़ेगा वो ऐसा बनाना पड़ेगा, ये वाला लूप रेड वाला, आर आई, आर इनसाइड। अब दोस्तों करंट आई है या आई से कम? यस, करंट इस बार आई नहीं है, आई से कुछ कम हो जाएगी, जीरो नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है, जीरो तो नहीं है, कुछ आई से कम है, हमें वही निकालना है दोस्तों। तो इनसाइड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। इनसाइड पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, बी डॉट डी एल, बी इनसाइड का लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज लूप दैट इज सर्किटल, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई डैश, इनटू आई डैश। अब देखो, अगर मैं ऊपर से देखू टॉप व्यू से यहां से, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो करंट निकालना है जो इतने एरिया से फ्लो हो रही है, मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल आर है। करेक्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि करंट एरिया से फ्लो हो रही है, करंट एरिया से फ्लो हो रही है, इसका मतलब अगर हमें छोटे एरिया से करंट निकालना है और बड़े एरिया की करंट बताए तो यूनिटरी मेथड लगा लो। अगर टोटल एरिया से आई करंट है तो छोटे से एरिया से कितनी करंट? नाउ आई विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट मतलब पॉइंट यहां पर है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी मान लीजिए एक्सिस से आर आई, आर आई डिस्टेंस है। करेक्ट, ध्यान से सोचिए बताओ दोस्तों, अगर मैं एम्पीरियन लूप लगाऊं तो अभी भी एम्पीरियन लूप क्या वही होगा? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू इनटू आई। लेकिन यहां पे क्या पूरी करंट इस लूप में से फ्लो हो रही है? नहीं, यहां पे कुछ अलग करंट फ्लो हो रही है, इसलिए मैंने आई की जगह लिया आई डैश। आई की जगह क्या लिखा दोस्तों मैंने? आई डैश। अब अगर इसका टॉप व्यू देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी एरिया में से, पूरे एरिया में से कितना करंट फ्लो होगा? आई, राइट। तो जो छोटा सा एरिया है स्मॉल आर, उसमें से कितना करंट फ्लो होगा? क्या यूनिटरी मेथड लगा दूं? अगर मुझे छोटी सी करंट चाहिए आई डैश, सो टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया। टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरी करंट आ गई आई स्क्वायर बाय आर, आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये करंट कहां से फ्लो हो रही है? अंदर वाले एम्पीरियन लूप से, जो हमने ये कंसिडर किया रेड लूप, एम्पीरियन लूप। ठीक है, चलिए, तो बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट। सो यहां पर बी इनसाइड कितना आ जाएगा? बी इनसाइड आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, क्या वही क्लोज लूप 2 पाई आर, 2 पाई कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर? दोस्तों स्मॉल आर, ये लेंथ लेंगे ये वाली है ना, 2 pi into small r equals to mu naught I r square by r square. This r get cancelled with this r. So b inside kitna aa gaya mera? B inside aa gaya mera mu naught by 2 pi I into r by r square. Right? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि b proportional है r के, b proportional है r के, मतलब जैसे जैसे मेरा b बढ़ता जाएगा डिस्टेंस के साथ बढ़ेगा। कैसे? डिस्टेंस कहां से दोस्तों? एक्सिस से, ये जो सेंट्रल एक्सिस है भाई, जो सेंटर से पास हो रही है, इसके सेंट्रल एक्सिस से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब सेंटर पे जब r इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कहां तक? सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही सरफेस के बाहर निकल गई मैग्नेटिक फील्ड 1/r से घटने लगेगी,
b is inversely proportional to r. Clear? Now we will see the graphical variation of magnetic field due to cylindrical wire. हमने हॉलो में देखा था कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती थी, सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आ रहा था, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, एंड आउटसाइड म्यू नॉट आई बाय टू पाई स्मॉल आर आता था, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर. तो हम अगर ग्राफ बनाए इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा दोस्तों आपको, कि यहां से यहां तक, जीरो से आर तक, जीरो से आर तक कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये जीरो बनेगी ऐसे, जीरो, राइट. फिर एकदम अब्रप्ट इंक्रीज होगा म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, उसके बाद आउटसाइड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, तो ये कुछ ऐसा होगा. क्लियर? चलिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज पोजिशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. ओके, नाउ विल टेक द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर. हमें पता है कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेंट्रल एक्सिस पे जीरो होती है. जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाता हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाता हूं, कहां सेंट्रल एक्सिस से, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, कब तक, आर तक, उसके बाद फिर घटने लग जाती है. तो अगर वेरिएशन देखें तो यहां से देखो, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कहां तक, इनसाइड से लेकर सरफेस तक. तो अगर मैं आर इक्वल टू आर बनाऊ, इधर मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगी लीनियरली, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लीनियरली इंक्रीज होगी. फिर अगर आउटसाइड देखें तो वापस 1 बाय आर, मतलब वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो फिर से हमें एब्रप्ट डिक्रीज दिखेगा, इनफाइनाइट पे लिखी हो जाएगी जीरो. ठीक है, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट. यहां पर हमें एक इनफाइनाइट शीट गिवन है जिसमें लैम्डा क्वांटिटी गिवन है, लैम्डा क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ गिवन. ठीक है, चलिए, अब ये शीट है, तो शीट में क्या करंट ऐसी फ्लो हुई होगी पूरी शीट में, राइट. टोटल करंट कितनी आई है, टोटल करंट कितनी है दोस्तों, आई, पूरी शीट में जो करंट बाहर निकल के आ रही है वो आई है. ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, ऊपर या नीचे, राइट. जैसे अगर मैं शीट का साइड व्यू बनाऊं, या इधर से बन देखे तो फ्रंट व्यू बनाऊं उसका, ये सो टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू में ऐसे दिखेगी आपको. अगर मैं इधर से देखूं इसको, नीचे से फ्रंट व्यू, तो ये कुछ शीट ऐसी दिखेगी आपको, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाना है. ठीक है, तो समझ में आया प्रॉब्लम क्या है. ओके, देखिए दोस्तों, मैं इसको, ये जो शीट हमारी ऐसे है, इसको ऐसे बनाता हूं और यहां पे शो करता हूं इसको. ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये शीट ऐसी इनफाइनाइट काफी लॉन्ग है ना, और इसमें से करंट फ्लो रही इस डायरेक्शन में. अगर ये करंट बाहर की तरफ आ रही है, अगर शीट में से करंट बाहर की तरफ आ रही है, जिस डायरेक्शन फिंगर से वहां आ रही है करंट, तो क्या मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बहुत बढ़िया. अब इसको मैं मान रहा हूं कि ये शीट इनफाइनाइट वायर से मिलके बनी है, मतलब ऐसे वायर लगाते और लगाते और लगाते इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वायर से बनके क्या बन गई, एक शीट बन गई. ओके, अब देखो, एक वायर के थ्रू आपको करंट निकालना आता है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी आता है. जैसे करंट कैसे निकालोगे, करंट तो बेसिकली गिवन है, क्या गिवन है, बाहर के डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में. और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको करंट के थ्रू, इस वायर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे निकालते हैं, सच दैट यू शुड पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट. तो आपको ऐसे लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से लेफ्ट, यहां से राइट, करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं इस वायर का बनाऊ, इस वायर का बनाऊ, इस वायर का बनाऊ, सारे वायर का बनाऊ, तो लेफ्ट में से डाउन, राइट में से आप, क्लियर. देखो ध्यान से देखते चलो दोस्तों, यहां से फिर ऐसे लेफ्ट में डाउन, राइट में से अप, लेफ्ट में डाउन, राइट में से अप, लेफ्ट में डाउन, राइट में से अप. एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये राइट लेफ्ट का पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये राइट लेफ्ट का पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब अप एंड डाउन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप एंड डाउन है. ठीक है, अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. अगर मैं ऊपर बताऊं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है. नीचे बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, मतलब ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबकी सेम है दोस्तों. क्या है, सबकी सेम है. और मैंने ऐसे इनफाइनाइट वायर्स माने बिल्कुल पास 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 में, तो क्या मैं ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट मान सकता हूं? क्या मैं दोस्तों इस डायग्राम को कुछ ऐसा बना दूं जो आपको भी अच्छा लगे दिखने में और समझने में, आपको समझ आ ही चुका है.
कैसे? मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूं यहां पे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और नीचे ड्रॉ करूं तो इट वर्ड्स राइट होगी। ये राइट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों। अब हम लेंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप लेने का स्मार्ट तरीका आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम एम्पीरियन लूप लेते हैं ऐसा, ध्यान से देखो मैं कैसा एम्पीरियन लूप ले रहा हूं, ठीक है। मैंने क्लोज लूप लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ठीक बात। अब आप कोई भी सेंस कंसिडर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैं कंसिडर कर लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने लूप की डायरेक्शन ली, लूप की डायरेक्शन है दोस्तों, याद रखो बी डॉट डी एल में आपको लूप की डायरेक्शन लेनी होती थी, याद है। चलिए तो लूप की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को, क्या होती है वो? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन पहले सर्किटल मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल इक्वल टू म्यू इंटू आई एम क्लोज, करेक्ट। चलिए अब पूरे लूप पे लगाना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं उसको, फ्रॉम ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या चीज क्लियर दोस्तों? ओके, अब देखो ध्यान से, सी टू, जब मैं बी टू सी जाऊंगा, जब मैं बी टू सी जाऊंगा तो इधर देखो, यहां ये ऊपर जा रहा हूं डीएल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा लग रहा है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द एक्स है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स है जो माना, लेकिन मैं मान लेता हूं ये अलोंग द एक्स है और जो डीएल है वो अलोंग द वाई है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या था? ए इंटू बी इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो। इसका मतलब इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड का सर्किटल बी डॉट डी एल की वैल्यू जीरो और इसके थ्रू भी जीरो, ये समझ आया। तो बीसी के थ्रू जीरो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 90 डिग्री है, इसलिए ये जीरो हो गया। सिमिलरली डी ए ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट तो खत्म हो गए। अब ये दोनों पार्ट बचे ए बी और डी सी, ठीक है। चलिए हम लेते हैं पहले ए बी, ए बी लेंगे तो बी इंटू ये लेंथ मान लीजिए एल, क्या मान लीजिए ऐसे रैंडम लेंथ मान लीजिए एल, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा इसको बी डॉट डी एल, मतलब बी इंटू बी को क्या माना है? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। क्यों माना कॉन्स्टेंट? क्योंकि इतने सारे इनफाइनाइट वायर्स है और मैं डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस में निकाल रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं कि सबका इफेक्ट जो होगा वो एक कंबाइंड इफेक्ट देगा जो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल इंटू कॉस जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस अब निकालता हूं सी डी का। सी डी देखो, सी डी इधर लेफ्ट में और मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट में, मतलब अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब ये हो जाएगा बी एल इंटीग्रेशन डी एल का इंटीग्रेशन है कंप्लीट लेंथ, तो बी एल प्लस बी एल क्या लेते हो? टू बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हमें यहां पर एक चीज गिवन है लैम्डा, क्या करंट पर यूनिट लेंथ गिवन हो गया आपको प्रॉब्लम है? तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट बाय टू लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शील्ड एट एनी पॉइंट विच इज क्लोज टू इट, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आप शीट से कितना ऊपर या कितना नीचे ले रहे हो, शीट से कितना ऊपर या कितना नीचे ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा धरती पे, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।